हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप एक फूड ट्रक का बिजनेस करने वाले हैं। आइडियली दोस्तों, मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हम फूड ट्रक का बिजनेस कैसे करें, नया फूड ट्रक खरीदें, सेकंड हैंड फूड ट्रक खरीदें, फूड ट्रक खरीदते टाइम हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, फूड ट्रक को हम मॉडिफाई कैसे करवाएं, कहां से मॉडिफाई कराएं। और साथ ही में दोस्तों, रिसेंटली मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हम फूड ट्रक में चाय का बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि अगर आप चाय का बिजनेस फूड ट्रक में करने वाले हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि ये वाला बिजनेस करके कमाओ लाखों रुपए, इस बिजनेस को शुरू करके या बन जाओगे लखपति। दोस्तों, ऐसा कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको ये बताए कि इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस करने वाले हैं, आप कोई भी फूड ट्रक खोलने वाले हैं, चाहे आप वो फास्ट फूड का हो, चाहे वो चाइनीज फूड का हो, चाहे वो साउथ इंडियन फूड का हो, या बेसिकली आप अगर फूड ट्रक में चाय का बिजनेस करने वाले हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां होती है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से होता क्या है, या तो दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना हो, हम पैसे में थोड़ी बहुत सेविंग कर लें, तो आने वाले कुछ टाइम में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम बिजनेस को बंद कर देते हैं, हमसे चल नहीं पाता है क्योंकि हमने पहले से कुछ गलतियां करी हुई हैं। तो वो सारी गलतियां, सारी प्रॉब्लम्स मैं सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फूड ट्रक में क्या आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, तो भैया आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं एक ही चीज में दे रहा हूं कि आप फूड ट्रक में करिए, चाहे आप कार्ट में करिए, चाहे आप शॉप लेकर करिए, आप चाय का बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं, कितने भी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, कितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं और कितने कम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप फूड ट्रक में चाय का बिजनेस करने वाले हैं या कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ मेथड्स बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है। यह सबसे पहला काम है। जब हम किसी भी बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, पैसा खर्च करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम बेचने क्या वाले हैं। तो आप पहले अपना मेन्यू डिसाइड कर लो, और मेन्यू आपका स्ट्रांग मेन्यू होना चाहिए। आप अपने एरिया के हिसाब से वो मेन्यू प्रोडक्ट्स रखिए जो आपके आसपास कहीं ना बिक रहे हो, या अगर बिक भी रहे हो तो उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, तो आप वो सारे प्रोडक्ट्स रखो। उसके अलावा दोस्तों, जब आपका मेन्यू डिसाइड हो जाए, फिर आपको खरीदना पड़ेगा ट्रक। अब ट्रक दोस्तों, आप सबको पता है कि आप कमर्शियल व्हीकल खरीदेंगे, आप टाटा सुपर एस, टाटा एस, टाटा जिपर, अब अपने हिसाब से आप जो सी गाड़ी लेना चाहें वो गाड़ी ले सकते हैं। अब भैया दो तरीके से, आप चाहे तो नई लीजिए, चाहे तो आप सेकंड हैंड लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों नई ले रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भैया आप शोरूम में जाके निकलवा लो। लेकिन अगर आप दोस्तों सेकंड हैंड ले रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कमर्शियल गाड़ी जो होती है वो बहुत ज्यादा चली हुई होती है, और कई गाड़ियां तो बहुत गंदे तरीके से पिटी हुई होती है। क्योंकि भैया कमर्शियल गाड़ी है, किसी ने भैया उससे इनकम जनरेट करी है पहले, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि उसी कमर्शियल गाड़ी से आप भी इनकम जनरेट करो, तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि वो कमर्शियल गाड़ी क्या आपको इनकम जनरेट कर दे पाएगी, क्या वो ठीक है कंडीशन में। क्योंकि दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये देखना है कि जो जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, या थर्ड ऑनर है। कोशिश करिए दोस्तों वो फर्स्ट ऑनर हो, और उसकी जो गाड़ी चली हुई हो वो नॉर्मल काम में चली हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया बिल्कुल ही ना चली हो, क्योंकि भैया कमर्शियल गाड़ी किसी ने अपने अर्निंग्स के लिए खरीदी है तो उसने भी जनरेट की होगी अर्निंग्स। बट ऐसा ना हो कि भैया उसकी गाड़ी सुबह शाम तीनों टाइम बहुत गंदे तरीके से पिट रही है। अब ये तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या उसमें वाटर कैंपर्स की सप्लाई ना होती हो, क्योंकि वो गाड़ियां बहुत गंदे तरीके से पिटी हुई होती हैं। जैसे आरओ वाटर का जो काम करते हैं, उसमें जो गाड़ियां लगी होती हैं वो सुबह शाम आरओ वाटर सप्लाई कर रही हैं, तो भैया वो लोडेड गाड़ी होती है। और आप सबको पता है कि पानी जब किसी भी गाड़ी से सप्लाई होता है तो उसका बहुत ज्यादा वेट होता है। तो आप बस ये चेक कर लो कि भैया उसके जो साइड्स हैं उसमें जंक तो नहीं लग रहा है, उसके जो डाला है डाले पे जंक तो नहीं लग रहा है। और कोशिश ये करिए कि जो भी गाड़ी आप खरीदने वाले हैं सेकंड हैंड, वो 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। थोड़ी सी महंगी मिल जाए, बट भैया इतनी ज्यादा पुरानी मत लो कि भैया आप जब सेल्फ मार रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आपका पूरा धंधा खराब हो रहा है। तो बस इस चीज का ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, भैया आपकी फील्ड अलग है, आप उस चीज की नॉलेज नहीं रखते, आपको गाड़ी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और भैया आप कैसे बता दोगे कि इसका गाड़ी का इंजन सही है या खराब है, आपको तो नॉलेज नहीं है। तो कुछ मत करो, एक मैकेनिक को ले जाओ, उसकी दिहाड़ी दे दो एक दिन की, गाड़ी है उसको चेक करवाओ। और दोस्तों, जो मैकेनिक होता है वो सेल्फ मारने के बाद ही बता देगा कि गाड़ी के इंजन में क्या दिक्कत है और क्या खराबी है, ये गाड़ी कैसी है, सारी कंडीशन आपको बता देगा। और भैया वो 1000-2000 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। अगर आपकी गाड़ी खरीद ली आपने और खराब निकल गई, तो फिर आपको 35 से 40 हजार रुपए जब उसका इंजन बनवाने में लगेंगे ना, तो ये आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए
आप मैकेनिक को ले जाओ, गाड़ी चेक करवाओ, उसके बाद अगर गाड़ी की कंडीशन सही है तब लो। और साथ ही में दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेने, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जब भी आप कमर्शियल गाड़ी लेते हो तो उसका हर साल टैक्स पे होता है, और अगर दोस्तों उसका टैक्स नहीं पे हुआ होता है तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो इसलिए भैया देख लो कि टैक्सेस अप टू डेट होने चाहिए उसके, और सारे कागज परफेक्ट होने चाहिए, उसके बाद दोस्तों आप गाड़ी खरीद लो। और साथ ही में दोस्तों आपको एक चीज और चेक करनी है, बहुत सारे ऐसे चीमड़ लोग होते हैं जो भैया गाड़ी बेचने वाले होते हैं तो उसका म्यूजिक सिस्टम निकाल लेते हैं, उसका टूल किट निकाल लेते हैं, उसकी स्टपनी निकाल लेते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, कहने को तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप इनके ऊपर खर्चा करने लगोगे तो आपको पता चलेगा। और मान लीजिए आप भूल गए, आपने नहीं देखा कि भैया उसमें टूल किट है या नहीं है, उसमें स्टपनी है या नहीं है। अब आपने भैया बिजनेस शुरू कर लिया, गाड़ी मॉडिफाई कर लिया, और किसी दिन गाड़ी पंचर हो गई, फिर आप बीच सड़क में खड़े रहोगे क्योंकि आपके पास स्टपनी नहीं है, आपके पास टूल किट नहीं, आप टायर बदल नहीं सकते। उस दिन का धंधा तो खराब होगा ही होगा, और उसके बाद फिर आपको नई स्टपनी के लिए घूमना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों चेक कर लो कि भैया गाड़ी में स्पेयर एक व्हील होना चाहिए, जो स्टपनी बोलते हैं जिसको, वो स्टपनी हो, और साथ में दोस्तों टायर को चेंज करने के लिए आपका जैक होना चाहिए और सारे टूल्स होने चाहिए, ये भी आप चेक कर लो। इसके अलावा दोस्तों आप जब गाड़ी खरीद लो, गाड़ी मॉडिफाई करा लो, बिजनेस शुरू कर दो, तो एक चीज आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए जो होता है भैया एयर पंप। और आप दोस्तों एक रूटीन पीरियड में अपनी गाड़ी के टायर्स की हवा जरूर चेक करो और उनमें हवा फिल भी करो। आपके पास जब गाड़ी में हवा भरने का पंप है तो आप उसको 8 दिन बाद 10 दिन बाद चेक करके फिल कर लो, क्योंकि दोस्तों जो फूड ट्रक होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, भारी हो जाती है, उसमें इक्विपमेंट अगर लगे आपके तो कुछ टाइम बाद उसकी हवा हो सकता है कम हो जाए, तो आप हवा फिल कर दो तो गाड़ी आपकी जल्दी से पंचर नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपने मेन्यू भी डिसाइड कर लिया, गाड़ी भी खरीद ली, अब बात आती है दोस्तों इक्विपमेंट्स की। अब जो आपने मेन्यू प्रोडक्ट डिसाइड करें उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे कि भैया आपको गैस की भट्टी लेनी है, अगर आप चाय का बिजनेस कर रहे हैं तो आप भट्टी में बनाना चाहते हैं, आप एक्सप्रेसो मशीन में बनाना चाहते हैं, या आप दोस्तों मिल्क बॉयलर मशीन में बनाना चाहते हैं, आप वो खरीद लो। अब भैया एक्सप्रेसो मशीन हो गई, मिल्क बॉयलर मशीन हो गया, तो इसको आपको मशीन में गाड़ी में अपनी फिक्स करवाना पड़ेगा। तो भैया इक्विपमेंट पहले ले लो मॉडिफिकेशन से पहले, यानी कि आपने गाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए दे दी, मॉडिफाई होकर गाड़ी आ गई, फिर आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो, फिर आपके वो इक्विपमेंट जो है गाड़ी में लग नहीं पाएंगे प्रॉपर, और जब आप गाड़ी चलाकर ले जाएंगे तो कोई इक्विपमेंट गिरेगा, टूटेगा, तो टूट फूट होती रहेगी। तो इसलिए जो इक्विपमेंट है आपके वो परफेक्टली गाड़ी में फिक्स होने चाहिए, तो वो आप मॉडिफिकेशन से पहले ले लो, और जो भी आपको मॉडिफिकेशन कर रहा हो उसको वो सारे इक्विपमेंट दे दो और उसको अच्छे तरीके से फिक्स करवा लो जहां जहां पर वो इक्विपमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको लेना होगा एक रैप ग्रिलर, आप चाहे तो एक दोस्तों डीप फ्रीजर भी ले सकते हैं, और डीप फ्रीजर दोस्तों आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, आप 100 लीटर का कम से कम ले लीजिए। और जो दोस्तों आप डीप फ्रीजर लेंगे उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपको नॉर्मल डीप फ्रीजर नहीं लेना है, आपको ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर लेना है। दोबारा से सुन लो, आपको ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर लेना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर होता है उसकी टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आइडियली मैं आपको और सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो अगर आप उसको पूरी रात चलाकर रखते हैं तो आप उसको पूरा दिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप आराम से लेकर घूमते रहिए, वो आपके प्रोडक्ट्स को खराब नहीं होने देगा, वो एक्चुअली वो आपके प्रोडक्ट्स को मेल्ट नहीं होने देगा। अगर उसमें आपकी आइसक्रीम से आपने कुछ भी रखा हुआ है तो वो पिघलेगा नहीं। आपने देखा होगा ना वो जो छोटे छोटे कार्ट साइकिल वाले आइसक्रीम वाले घूमते रहते हैं, वो ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर लगा होता है उनमें, ताकि वो पूरी रात उस फ्रीजर को चलाकर रखते हैं और पूरे दिन धूप में उसको लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी आइसक्रीम नहीं पिघलती है। तो आप ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर लगा लो ताकि आपका भी प्रोडक्ट खराब ना हो। अब आपने दोस्तों सारे इक्विपमेंट भी खरीद लिए, अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों मॉडिफिकेशन कहां से करवाएं। अब मॉडिफिकेशन के लिए दोस्तों दो तरीके हैं, एक तो होता है भैया फूड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और दूसरा होता है कि आप अपने लोकल मार्केट में जो भी लोहार लोहे का काम करते हैं, बेल्डिंग वेल्डिंग का, उनसे करवा लो। अब एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आप दोनों में से कहीं से भी मॉडिफाई कराइए, जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो आपका खर्चा होने वाला है वो बहुत ज्यादा और बहुत कम है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप फूड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने फूड ट्रक को मॉडिफाई कराते हैं तो ऑन एन एवरेज दोस्तों 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा नॉर्मल, और अगर आप इक्विपमेंट भी उनसे लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका और ज्यादा हो जाएगा, 7 लाख 8 लाख 6 लाख इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप फूड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपना फूड ट्रक को मॉडिफाई कराते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने लोकल मार्केट में किसी लोहार से, अब दोस्तों ये इंडिया है, यहां पर आपको सिर्फ एक फोटो दिखाना है, नकल अपने आप उतार देते हैं यहां पर लोग, तो आप भैया जिस तरीके का फूड ट्रक बनवाना चाहते हो आप गूगल पे बहुत सारे फूड ट्रक के फोटोज पढ़े, आप चेक करो और उस तरीके का फोटो उसके पास लेकर जाओ, और उस जो आपके यहां पर लोकल मार्केट में जो लोहे का काम करते हैं उसको दिखाओगे भैया इस तरीके से गाड़ी को मॉडिफाई करना है, और वो कर देंगे। अब मैं ऑन एन एवरेज आपको प्राइस बताऊं तो भैया 35,000 से लेकर 50,000 रुपए में आपका फूड ट्रक मॉडिफाई हो जाएगा अगर आप लोकल मार्केट से करवाते हैं तो। अब भैया अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भैया आप लोकल मार्केट से ही करवाइए, क्योंकि यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आप मॉडिफाई कराएंगे ट्रक फूड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उसमें, और जो लोकल मार्केट से मॉडिफाई करेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, जैसे प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है इसी तरीके से भैया फूड ट्रक की क्वालिटी में भी थोड़ा सा अंतर होगा। अब भैया मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके पास पैसे नहीं है और वो करना चाहते हैं, तो भैया आप लोकल मार्केट से भी करवा सकते हो। जब आपका फूड ट्रक मॉडिफाई हो जाए तो उसके बाद उसको आपको पेंट करवाना पड़ेगा, जो आपका लोहा लगा होगा नया नया, जो लोहे के ऊपर जो आपकी छत वगैरह लगी होगी उस पर आपको पेंट करवाने के बाद उसमें आपको भैया स्टिकर्स लगवाने पड़ेंगे। स्टिकर्स इन द सेंस भैया आप चाहे तो भैया विनाइल प्रिंटिंग लगवा सकते हो या फिर आप फ्लेक्स लगवा सकते हो। अब विनाइल प्रिंटिंग और फ्लेक्स के बारे में पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, जो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, जो विनाइल प्रिंटिंग होती है वो स्टिकर की तरह होते हैं, वो
उसके अंदर ग्लू लगा होता है वो बस उखाड़ के चिपका दिया जाता है, और जो फ्लेक्स होता है उसको फेविक्विक से आपकी गाड़ी के ऊपर चिपकाया जाता है। तो आप चाहे तो भैया विनाइल प्रिंटिंग लगाओ, विनाइल प्रिंटिंग थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अब एक फूड ट्रक में जो विनाइल प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है वो 8 से 10 हजार रुपए के आसपास आता है पूरी गाड़ी में जो स्टीकर लगते हैं विनाइल प्रिंटिंग के। और वही दोस्तों अगर आप फ्लेक्स लगवाते हैं तो वो 3.5 से 4 हजार मैक्सिमम 5 हजार रुपए में आपके लग जाएंगे। वो लगने के बाद आपकी गाड़ी एकदम टिंच कंडीशन में रेडी हो जाएगी, स्टीकर लगने के बाद आपका फूड ट्रक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मेन बात आती है कि आपको एम्प्लॉय हायर करना यानी कि शेफ हायर करना या नहीं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आपको शेफ हायर करना है ये नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं दोस्तों, जो फूड ट्रक है वो फूड ट्रक ही होता है और रेस्टोरेंट और कैफे रेस्टोरेंट और कैफेज होते हैं। अब आप उनसे कंपेयर तो कर नहीं सकते। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं ले सकते अपने कस्टमर से, क्योंकि भैया वो फूड ट्रक है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, पहली बात तो अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तब आप थोड़ा बहुत ठीक प्राइस रख सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कस्टमर को यहां पर सेटिंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो भैया वो क्यों आपके फूड ट्रक में खाएगा, वो तो फिर रेस्टोरेंट या कैफे में चला जाएगा अगर प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कम देना ही पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा कम देते हैं तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, और मार्जिन कम होने के साथ साथ अगर आपने शेफ रखा हुआ है तो उससे भी आपका बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो कोशिश ये करिए कि स्टार्टिंग में आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करिए जो आप अपने आप से बना सकें, और अगर आप रख भी रहे हैं तो कोई सस्ता शेफ रखिए जो थोड़े से कम पैसे ले आपसे, जिससे कि आपका मार्जिन प्रॉपर निकल पाए और कुछ टाइम बाद आपको अपना बिजनेस बंद ना करना पड़े। अब भैया आपने शेफ रख लिया है 20 हजार रुपए का, और भैया फूड बिजनेस में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो शेफ का और आपके रॉ मटेरियल का होता है। भैया आपका खाने का जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि रॉ प्रोडक्ट आएगा, वेजिटेबल्स हो गई, ब्रेड्स हो गई, मेयोनीज हो गई, सॉसेस हो गए, ठीक है, ये सारा जो खर्चा होगा ये बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका शेफ होगा तो शेफ की सैलरी, उसके हेल्पर की सैलरी, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर आपने स्टार्ट किया और आपका फूड ट्रक बहुत अच्छा चल रहा है तब तो आपको शेफ रख लेना चाहिए, फिर तो आपको भैया हेल्प के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप रख सकते हैं। अब इन सारी बातों से हटकर दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो भैया आपकी सेल बढ़ेगी और हर दिन बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी प्लस गुड बिहेवियर इज इक्वल टू ह्यूज इनकम ह्यूज सेल। तो आप इतनी सी बात समझ लो भैया, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप कहीं फ्रूट लेने जाते हो, तीन ठेले खड़े हैं और तीनों के पास भैया काले वाले अंगूर नहीं है, और आप जाकर बोलते हो भैया काले वाले अंगूर, पहला वाला कह देगा नहीं है, कस्टमर आगे बढ़ेगा दूसरी शॉप पर जाएगा, काले वाले अंगूर है, अरे भैया नहीं है। अब जब वो तीसरे पर गया, यहां पर आपके पास समझने वाली चीज है, जब वो तीसरे के पास गया उसने बोला भैया काले वाले अंगूर है, अब सामने वाला क्या बोल रहा है, अरे सर काले वाले अंगूर तो नहीं है, काले वाले अंगूर आजकल खट्टे आ रहे हैं, मैं पहले लाया था लेकिन अभी उनका रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि वो अभी सही नहीं आ रहे हैं, अभी मौसम नहीं है, उनका सीजन थोड़ा सा बेकार चल रहा है तो खट्टे आ रहे हैं काफी, आप ये वाले ट्राई करो। एक अंगूर उठा के खिला दिया कस्टमर को। अब कस्टमर जब अंगूर खा लिया तो भैया वो भले काले वाले अंगूर लेने आया था लेकिन वो ग्रीन वाले लेकर चला जाएगा, क्योंकि भैया आपके अंदर बेचने की क्षमता है। और अगर आप सड़क पर खड़े हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर यही इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर यही एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर आपके पास जा रहा है वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो भी कुछ भी वो खरीदने आया आप कुछ ना कुछ उसको सजेस्ट करके बेच सकते हो आराम से, अगर आपके अंदर बेचने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है तो। इसके अलावा दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ चाय रखनी है, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए जिसमें फ्रेंच फ्राइज के बारे में बताया, पोटैटो टोर्नेडो के बारे में बताया, बर्गर के बारे में मैं बता चुका हूं, बट हालांकि मैं बर्गर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि आप बर्गर्स का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं बिना शेफ के। और मैं आइडली इन चीजों पर काम इसलिए करता हूं ताकि इसको कोई भी शुरू कर सके, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप उसको डेवलप करके आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैं पुरानी वीडियो में बता चुका था कि अगर आप बर्गर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो मकेन की पैटीज ले सकते हैं, जो टिक्की होती है, आपको चिली पोटैटो टिक्की मिल जाएगी, आलू टिक्की की पैटी मिल जाएगी, मिक्स वेज की टिक्की मिल जाएगी, और उन टिक्की को यूज करके आप अपने बर्गर्स आराम से बना सकते हैं, सिर्फ आपको ड्रेसिंग करनी होगी, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं दोस्तों बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, तो आप उन सबसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं और अपने चाय के साथ साथ अपने फूड ट्रक में और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया मैं इस बिजनेस को सबसे कम इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकता हूं, लो इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकता हूं। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल यहां पर देता हूं, मेरा एक फ्रेंड समझ लीजिए, मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने जिसके एक्चुअली पिताजी नहीं है, और उनके पापा ना होने की वजह से उनके फैमिली में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, और मेरे उस भाई ने हर जगह प्राइवेट बहुत ज्यादा काम किया है, उसने KFC में काम किया, उसने डोमिनोज में काम किया, उसने वाडीलाल में अभी वाडीलाल में काम किया है, और इसके अलावा अभी वो भैया बीकानेर वाला में जॉब कर रहा था, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, बट उसने मुझसे फोन पे बात करी और मुझसे बात करने के बाद इतना मोटिवेट हो गया वो कि उसने कार्ट में एक छोटे से चाय का ठेला खोला, और ठेला खोलने के बाद उसका ठेला इतना ज्यादा अच्छा चला कि आज की डेट में उसने ठेला बेचकर अपनी शॉप खरीद ली और एक कैफे खोल लिया है। और उस टाइम पे जब उसने अपना ठेला शुरू किया था ना दोस्तों, अब आप लोग कहते हो कि भैया मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं लेकिन पेन नहीं ले सकता, तो भैया पेन लेना पड़ता है अगर आपको अर्निंग्स करनी है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो।
और अगर आप पेन नहीं ले सकते तो भैया फिर 16 लाख की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो उसने भैया थोड़ा सा पेन लिया और वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकता, तो उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उसने मेरे को ये बात पहले कह दी थी कि सर मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर भैया बिजनेस नहीं चला और मेरी जॉब भी नहीं रही तो मेरा घर का बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसकी 3 बहनें हैं और सिर्फ मम्मी है और उसके पापा है नहीं, तो भैया सारा घर का खर्चा उस पर ही डिपेंडेंट है। तो उसने क्या करा, जॉब भी नहीं छोड़ी। अब उसकी जॉब जो थी वो दोपहर में स्टार्ट होती थी, 2 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक। तो उसने क्या करा, 2 से 10 तो वो जॉब करता था, लेकिन उसका जो एरिया है वहां पर नाइट लाइफ अच्छी है। तो उसने क्या करा, सुबह 4 बजे से वो अपना चाय का ठेला लगाता था और जहां पर वो अपनी चाय और पोहा सेल करता था। और चाय और पोहा इतना ज्यादा अच्छा सेल होने लगा कि भैया कभी कभार अगर उसकी शॉप बंद रह जाती थी तो कस्टमर्स के फोन आने लगते थे कि भैया कहां रह गए, आज चाय नहीं पिलाओगे क्या, आपकी चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं हम। तो काफी सारे ग्रुप्स आने लग गए, फ्रेंड्स आने लग गए और उसका चाय और पोहे का काम बहुत अच्छा चला और आज के डेट में वो अपना कैफे खोलकर बैठा है और अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। तो अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि भैया इस बिजनेस को क्या मैं फूड कार्ट में कर सकता हूं, क्या मैं इसको फूड ट्रक में कर सकता हूं, क्या मैं इसको शॉप लेके कर सकता हूं, तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और अगर आपके अंदर बिजनेस करने का एक पक्का जुनून है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आप एक सब्सक्राइब करके मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।